ऑक्सीजन प्लांट को लेकर पहली बार राजस्थान को और पूरे भारत को पता लगा कि ऑक्सीजन की कितनी महत्व आवश्यकता थी और उसके लिए कितनी हमें कठिनाई झेलनी पड़ रही है। हम केंद्र पर निर्भर रह रहे हैं और वो भी पूरी सप्लाई नहीं हो रही है। इस बार हमने हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने ऑक्सीजन की भविष्य में कोई दिक्कत नहीं हो इसके लिए सब जगह पूरे राजस्थान के अंदर उसकी व्यवस्था जगह जगह प्लांट लगाने की कर रहे हैं। उसी के तहत बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर में ये हमारा जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, जिला अस्पताल में एक तो पहले लगा हुआ है 80 सिलेंडर का प्लांट, अभी UIT द्वारा 50 सिलेंडर का प्लांट और स्वीकृत हो चुका है, टेंडर भी हो गया और उसका ऑर्डर भी दे दिया गया। एक प्लांट जो SPCL वो लगाने जा रही है यहाँ 150 सिलेंडर का। इस तरह से ये चार प्लांट ऑक्सीजन के इसके अंदर लग जाने से यहाँ जो ऑक्सीजन की भारी कमी उसका निराकरण हो जाएगा। उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी ये प्लांट लगाकर और ऑक्सीजन की जो कमी है उसकी पूर्ति की जाएगी। अच्छा सर, जिस तरीके से तूफान वगैरह की भी चेतावनी है तो ऐसे में लाइट को लेकर बड़ी समस्या हो, ऑक्सीजन को लेकर, क्योंकि काफी जगहों पर ऐसा देखा गया है कि लाइट को लेकर दिक्कत आती है, तो ऑक्सीजन को लेकर, तो उसको लेकर भी अभी कुछ मीटिंग में तय किया गया है? बिल्कुल, इसके लिए अभी चल ही रही है कि तूफान की वजह से हमारे जो ऑक्सीजन के लिक्विड जहाँ आ रही है वो प्लांट में दिक्कत आ सकती है और लाइट जा सकती है, जिसकी वजह से कई परेशानी आ सकती है। हमने उसकी पूरी तैयारी की है। उसके लिए हमने एक तो ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर जो उसमें ऑक्सीजन की सिलेंडर की आवश्यकता नहीं रहेगी, ऐसे हमने सभी जगह पूरे अस्पताल में और CAC पर हमने उसकी भी व्यवस्था कर ली है। हमने वो उसके दानदाताओं से परचेज कर और उसकी व्यवस्था कर ली है। लाइट के लिए हमने जनरेटरों की व्यवस्था कर ली है ताकि लाइट कभी भी जाए तो जनरेटर के लगाने से ये लाइट की व्यवस्था बिल्कुल नहीं रहेगी, अव्यवस्था नहीं रहेगी और इसकी व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने देगी। इसके लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में अभी हम सब वहाँ थे, मीटिंग हुई और हम उसी तरह से तैयारी कर रहे हैं कि किसी तरह से न तो दवाई की कमी हो, न ऑक्सीजन की कमी हो, न आज 1000 कम से कम 950 रेमेडिएशन इंजेक्शन एक साथ आए रात को, तो न तो इंजेक्शनों की कमी है और न संसाधन। मैं तो बाड़मेर के भमासाओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो भी आवश्यकता है वो भमासा उसकी पूर्ति कर रहे हैं, दे रहे हैं। मेडिकल दवाइयों की कमी है तो वो पूर्ति कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, और संसाधन आज जो ऑक्सीजन के ये कंस्ट्रक्टर इनकी जितनी आवश्यकता थी अधिकांश भमासा दे रहे हैं। उसके साथ साथ दूसरी भी जो महत्व हमारी आवश्यकता है वो भमासा आगे आ रहे हैं कल और आज, और हमेशा आप देखते ही होंगे कि लोग कितने आगे बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेते हैं। घंटों में क्या हालात है, किस तरीके कुछ हालातों में थोड़ा बहुत सुधार आया है, जैसे आप लगातार फिर भी 2-3 घंटे जाते हैं, आज भी गए होंगे कल भी गए होंगे, थोड़ा बहुत लॉकडाउन वगैरह का जो असर था, देखो इस लॉकडाउन की वजह से प्लस सरकार ने घर घर सर्वे कराया, पूरे राजस्थान के अंदर घर घर सर्वे हो रहा है। बाड़मेर में पूरे घर घर सर्वे होने की वजह से वहाँ आईलाई जो शुरुआत में जो जिनके लक्षण दिख रहे हैं उनको एक मेडिकल किट दिया जा रहा है और उस किट की वजह से जो स्टार्टिंग में ही वो ठीक हो जाते हैं, उससे ज़्यादा अगर तकलीफ है तो हमारी CAC जितनी है वहाँ पर हम कोविड सेंटर अधिकांश खोल दिए हैं और बाकी खुल रहे हैं ताकि वहाँ पूरी व्यवस्था की जा रही है ताकि मरीजों को बाड़मेर मुख्यालय पर जो सीरियस होकर फिर आते हैं उनको नहीं आना पड़े और शुरुआत में उनको ट्रीटमेंट मिल जाए। और ये सारी व्यवस्थाएं
हम कर रहे हैं, इसकी वजह से हमें उम्मीद है कि आने वाले इन कुछ दिनों में इसमें सुधार होगा और मरीज़ कम आने शुरू होंगे। अभी तो क्योंकि पूरा ही एक साथ सर्वे हुआ और उस सर्वे में जितने भी कोई लोग घर बैठे थे दिखा नहीं रहे थे, उनकी हमने टेस्टिंग कराई जगह जगह, और जो भी पेशेंट है वो चिन्हित किए गए घरों में, उनको हमने क्वारंटाइन भी किया है। और बाकी सेंटर अब बाड़मेर में आप देख रहे हो कि हमने पहले सिर्फ बाड़मेर अस्पताल की कैपेसिटी 200 बेड की थी, उसकी जगह हमने 500 की थी। 100 बेड हमने गर्ल्स कॉलेज में किया, 60 बेड गर्ल्स छात्रावास में की। अभी हम कल शुरू करने जा रहे हैं ये गड्डा रोड पे जो महावीर कोविड सेंटर के नाम से हम कल शुरू करने जा रहे हैं 50 बेड का। तो इस तरह से ये सारी व्यवस्था सुचारू रूप से हम कर रहे हैं। किसी तरह से सरकार की मंशा है, मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि कोई भी ऐसा मरीज नहीं आए जिसको की बेड नहीं मिले, या उनके लिए किसी तरह की दवाई या ऑक्सीजन या किसी तरह की कोई कमी नहीं रहे। खाने पीने की सारी व्यवस्था जिस तरह से कैन भी सहयोग कर रही है, राजवेश सहयोग कर रही है, अन्य भमासा दुनिया भर के जो आ रहे हैं आगे बढ़ चढ़ कर, मैं तो देख रहा हूँ पहली बार जो भमासा जिस तरह से अपने आप इसमें सहयोग कर रहे हैं, मैं उनको बाड़मेर की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और अपील भी करना चाहूँगा कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार अपील कर रहे हैं कि आप घरों में रहो, मास्क पहनो, बाहर मत निकलो, भीड़ में मत जाओ, शादी ब्याह से में मत जाओ, दूर रहो, और बाज़ार में भी जो सरकारी गाइडलाइन है उसका पालन सुनिश्चित करें, यही हमारा बचाव है, इससे ही हम बच पाएंगे। इसलिए मेरी यही बाड़मेर वासियों से अपील है।